हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यम एकेडमी। तो हमने स्टार्ट किया लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसका हमारा फोर्थ लेक्चर है। तो हमने पहले वाले लेक्चर में रेस्पिरेशन देखा था, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। अब हम देखेंगे एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कॉम्पोनेंट्स, मतलब क्या अलग अलग फूड कॉम्पोनेंट से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। पहला फूड कॉम्पोनेंट क्या है, पहले तो हमें खाना खाते हैं हम, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये हम कब से देखते आ रहे हैं। तो वो अपने बॉडी में कैसे स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। और कहाँ स्टोर होता है, लिवर और मसल्स में, ये हमने देख लिया, ये बहुत छोटा सा है। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन्स, हम कब से कार्बोहाइड्रेट देख रहे थे, अब आइए प्रोटीन्स की बारे में। अलग अलग फूड कॉम्पोनेंट्स देखना है ना हमें, तो अब सेकेंड है प्रोटीन। पहले देखते हैं हम प्रोटीन है क्या। मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मैनी अमीनो एसिड्स, मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल जो बना है बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो मॉलिक्यूल से। मतलब प्रोटीन क्या है, अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, वो बहुत सारे अमीनो एसिड्स है जिससे प्रोटीन बना है। अब हम क्या देखेंगे, प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन, मतलब ऐसे प्रोटीन जो हमें एनिमल से मिले हैं, जैसे कि मीट, एग, मिल्क बीन और बहुत सारे फिश बीन, वो सारे एनिमल प्रोटीन्स है। तो वो सारे प्रोटीन्स अपने बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन है। ये आपकी बुक में भी दिया है कि वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, मतलब वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब एक ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है, ये आप याद कर लेना, ये आपको पूछ सकते हैं कहीं पे भी। तो अब हम देखेंगे कि प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, तो हमें क्या मिलेगा, एमिनो एसिड। ये क्यों, क्योंकि प्रोटीन इज अ चेन ऑफ एमिनो एसिड, बहुत सारे एमिनो एसिड है, तो अगर उसको ब्रेक डाउन करेंगे, डाइजेशन करेंगे, तो बहुत सारे एमिनो एसिड्स ही मिलने हैं हमें। तो वो जो एमिनो एसिड्स है वो अपने बॉडी में स्टोर होते हैं, एब्जॉर्ब होता है और पूरे बॉडी में और सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है वाया ब्लड, ब्लड के थ्रू। ऐसे तो उड़ के तो कहीं भी नहीं चला जाएगा ना, ब्लड से जाएगा वो। तो अब वो चला गया, तो अब हमें प्रोटीन मिलेगा कैसे, हमने ये खा लिया, समझ लो हमें मिल्क पी लिया, और जो नॉन वेजिटेरियन है उन्होंने मीट खा लिया, तो उसको प्रोटीन कैसे मिली, बॉडी को प्रोटीन कैसे मिली, बॉडी को फंक्शन कैसे करना है। तो वो पहले अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद अपनी अपनी प्रोटीन्स बनाते हैं सब, जो यहाँ लिखा हुआ है वो बाद में आएंगे। तो अभी वो अमीनो एसिड बन गया, वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया और ट्रांसपोर्ट हो गया, तो उसके बाद वो अलग अलग जगह जाएगा, जैसे कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड में कैसे हेल्प कर रहा है, ब्लड में कैसे हेल्प कर रहा है, वो सब हम यहाँ देखेंगे। स्किन में कैसे हेल्प कर रहा है, वो मेलानिन, जो अपने बॉडी को कलर देता है, जो अपनी बॉडी को टोन देता है, वो पिगमेंट है मेलानिन। और केराटिन जो नेल्स में, हेयर्स में और स्किन में भी रहता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो अपने हेड में स्टोर है ब्रेन के पास, तो वो क्या करता है, वेरियस हॉर्मोन्स बनाता है। उस वेरियस हॉर्मोन्स क्या क्या है, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ग्रोथ हार्मोन और फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ऐसे बहुत सारे हार्मोन भी है, पर मैंने आपके लिए सिर्फ दो लिया है। ग्रोथ हार्मोन जो हमें ग्रोथ में हेल्प करती है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, हार्मोन दैट स्टिम्युलेट्स फॉलिकल। ये डिटेल चाहिए तो आप दूसरी वो वाला लेक्चर देख लेना। ब्लड में हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज फॉर्म करने के लिए, और मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन। ये क्या है, ये अपने बॉडी मसल्स की हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में, और इसका एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स भी है जो आपको आगे पढ़ने मिलेगा। बोन्स और सिन, बोन्स में क्या, और सिन, और सिन क्या है, कोलेजन ऑफ बोन। कोलेजन मतलब क्या, जो अपने बॉडी को, जो बोन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। और सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, उसके लिए भी हेल्पफुल है। और पैनक्रियास में इंसुलिन जो अपना ग्लूकोज लेवल चेक कर मॉड्यूलेट करता है, और ट्रिप्सिन जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें में काम आ गया अपना प्रोटीन, ये सारे चीज़ों में हेल्पफुल हो गया, मतलब ये सारी चीज़ ने यूज़ कर लिया, बना लिया अपना। जो एक्स्ट्रा प्रोटीन बच गया वो अपने बॉडी में स्टोर नहीं होता, जैसे कार्बोहाइड्रेट हम स्टोर कर लेते हैं ना, जैसे हम फास्ट कर रख रहे हैं तो हमें हेल्प आए आगे, तो हम स्टोर करके रख लेते हैं, लेकिन हम प्रोटीन स्टोर नहीं करते, क्योंकि वो एक अमीनो एसिड है जो अपने बॉडी के लिए डेंजरस भी हो सकता है, इसलिए हम वो एक्सक्रीट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। लेकिन ह्यूमन्स अमोनिया नहीं एक्सक्रीट करते, ये फिशेस और अलग अलग
ऑर्गेनिज्म एनिमल्स करते हैं, पर जो ह्यूमंस जो है वो अमोनिया को आगे यूरिया में कन्वर्ट करके फिर एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन अपने बॉडी में अमीनो एसिड या प्रोटीन कहीं भी स्टोर नहीं होता है। और अगर ज़रूरी हुआ, जैसे अपने बॉडी को खाना नहीं मिला बाय चांस, तब प्रोटीन काम आता है, तब प्रोटीन कन्वर्ट होता है ग्लूकोस में थ्रू अ पाथवे कॉल्ड ग्लूकोजेनेसिस। ये पाथवे आप याद रख लेना और ऐसे अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि प्रोटीन से ग्लूकोस किस पाथवे से बनता है, ग्लूकोजेनेसिस से। और अब बारे प्लांट्स की, प्लांट्स में भी बनता है प्रोटीन, तो कैसे बनता है? मिनरल डिनोवो। डिनोवो का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, सिंपल फूड मटेरियल से कॉम्प्लेक्स फूड बनाना। तो जो मिनरल डिनोवो है उससे हमें अमीनो एसिड मिलता है जो आगे चल के अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। और रूबिस्को, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ये आप याद कर लेना। सबसे ज़्यादा प्रोटीन नेचर में रूबिस्को है, जो कहाँ मिलता है? प्लांट्स में, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो हमें हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। अब हम अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? द सब्सटेंस फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल। मतलब लिपिड बना है बहुत सारे फैटी एसिड और अल्कोहल से ज्वाइन होके। तो अगर वो चीज़ फैटी एसिड और अल्कोहल से ही बनी है, तो अगर वो ब्रेक डाउन होगी तो क्या मिलेगा? फैटी एसिड और अल्कोहल ही। तो फैटी एसिड जैसे ही, जैसे अपना प्रोटीन पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और चीज़ें बनती है, वैसे ही फैटी एसिड से भी फॉस्फोलिपिड, कोई बहुत सारी चीज़ें बनती है, पर एग्जांपल दिया है यहाँ पे फॉस्फोलिपिड। वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करने के लिए। और वैसे ही हार्मोन में भी उसका इम्पॉर्टेंस है, जैसे कि ये सारे हार्मोन्स बनाने के लिए वो हेल्पफुल है। और कवरिंग अराउंड एक्सोन ऑफ नर्व सेल्स, लिपिड वहाँ पे भी प्रेजेंट है। इधर भी बताया है कि 1 ग्राम ऑफ लिपिड से कितना किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है? 9। तो अब ये खाली हमें दो ही जगह दिया हुआ है, एक प्रोटीन में दिया हुआ है और एक लिपिड में दिया हुआ है। तो आप दो याद कर लेना कि प्रोटीन में 4 किलो कैलोरीज और लिपिड में 9 किलो कैलोरीज। कहीं पे भी पूछ सकते हैं एज़ यूजल। अब क्या कि हमने देखा था कि प्रोटीन अमीनो एसिड अगर एक्सेस हो जाए तो अपने बॉडी में स्टोर नहीं होता है, रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। पर यहाँ ये स्टोर हो जाता है, कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। ये क्या है? फैट टिश्यू है, वहाँ स्टोर हो जाता है। तो ये देखनी है, देख लिया हमने लिपिड्स। अब हम देखेंगे विटामिन्स। विटामिन्स बोलते हैं, विटामिन्स बोलते हैं अलग अलग, पर हम विटामिन्स बोलेंगे। उसका डेफिनेशन, हेट्रोजीनियस कंपाउंड विच इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन इन वेरियस प्रोसेस इन बॉडी। हेट्रोजीनियस कंपाउंड क्या मतलब? ऐसा कंपाउंड जिसमें अलग 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 चीज़ें हैं, तो और वो अपने बॉडी को फंक्शन करने के लिए हेल्प करती है, वो है विटामिन्स। 6 टाइप के होते हैं, ABCDENK। पर उसमें से जो ADE और K है वो फैट सेल्यूबल है, और B और C वाटर सेल्यूबल है। ये आप याद भी कर सकते हो, हमने कैसे याद किया था? अडैक बोलते थे हम, अडैक, ADE K फैट सेल्यूबल, और जो बचा बाकी दो BC वाटर सेल्यूबल। अब हम देख लेते हैं कि क्या हेल्पफुल भी है आगे, कि विटामिन्स लाइक राइबोफ्लेविन B2 और निकोटिनामाइड B5 किस लिए इम्पॉर्टेंट है? हमने इससे पहले ग्लाइकोलिसिस पाथवे देखा था, उसमें हमने क्या देखा था? FADH2 और NADH2 बनता है। तो ये बनता, मतलब ये बनने के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए राइबोफ्लेविन और निकोटिनामाइड इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और इसको हम विटामिन B2, विटामिन B5 भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे वाटर। वाटर अपने बॉडी में 65-70% प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे वाटर, वाटर अपने बॉडी में 65-70% प्रेजेंट है, और सेल में 70% ऑफ वेट बाय वेट प्रेजेंट है, और बॉडी प्लाज्मा में भी 90% प्रेजेंट है। बॉडी प्लाज्मा नहीं, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा क्या है? ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी होता है, लिपिड्स नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट और CO2 और वाटर। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, 90%। तो इसका मतलब ये प्रूव होता है कि अगर अपने बॉडी में वाटर नहीं हो तो अपनी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो इसलिए वाटर भी अपने लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। और अब आता है फाइबर्स। फाइबर्स क्या है? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंस एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड बॉडी।
मतलब डाइजेशन में भी हेल्प करता है, जो हम खाना खाते हैं उसके डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको इजेस्ट करने में, एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करता है फाइबर। पर ये खुद कभी डाइजेस्ट नहीं होता, ये आप याद रखना कि ये सब डाइजेशन में हेल्प करता है और रिमूवल में भी हेल्प करता है, लेकिन खुद डाइजेस्ट नहीं होता है। ये कैसे मिलता है हमें? लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सेरेल्स। क्या था? एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कॉम्पोनेंट्स। तो डिफरेंट फूड कॉम्पोनेंट्स में हमने क्या क्या देखा? इससे पहले हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और यहाँ लिपिड्स, विटामिन्स, वाटर और फाइबर्स। ये सारे अपने बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारा दिया हुआ है, तो आप याद कर लेना। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम सेल डिवीजन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।